हेलो दोस्तों, सीआरडी जॉब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी एक बहुत बड़ी भर्ती का रिक्वायरमेंट लेकर आया हूँ, दिल्ली होमगार्ड 2024। वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, कितनी यहाँ पर वैकेंसी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट है आपकी, संपूर्ण जानकारी, कैसे क्या आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर 10,285 पदों के लिए वैकेंसी है। एज लिमिट आपकी 20 साल से 45 साल रखी गई है। अगर आप 12th पास हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर आपको 25,000 रुपये देखने को मिलेगी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी, तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी अपन बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जो दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया है इस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों, ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होमगार्ड की भर्ती के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर आपके फॉर्म 24 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे। क्लोजिंग डेट आपकी रहने वाली है 13 फरवरी तक। ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। अभी अपन बात करते हैं कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि इस फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली के निवासी हैं वही लगा सकते हैं। इसके लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो वैलिड प्रूफ हो, पास वैलिड पासपोर्ट हो जिसमें दिल्ली का एड्रेस हो, या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो जिसके अंदर दिल्ली का एड्रेस हो, या फिर राशन कार्ड हो जिसमें आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए। विदाउट फ़ोटो वाला राशन कार्ड ये नहीं चलेगा। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर कोई बैंक पासबुक हो, ये डॉक्यूमेंट जिनके पास हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी अपन बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पर आपकी 20 साल से 45 साल रखी गई है। आपका जन्म 2 जनवरी 1979 के बाद का होना चाहिए, 1 जनवरी 2004 से पहले का होना चाहिए। तो ये जो लोग हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 54 साल रखी गई है। एजुकेशन यहाँ पर आपकी 12th पास रखी गई है। एक्स सर्विसमैन 10th पास भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर। अभी अपन बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर जिस कैंडिडेट की एज 20 साल से 30 साल के बीच है उनकी 1600 मीटर रेस 6 मिनट में होगी। जिन कैंडिडेट की एज 30 से 40 के बीच है उनकी 1600 मीटर 7 मिनट में होगी। 40 से 45 एज वालों की 1600 मीटर 8 मिनट में होगी। अगर सर्विसमैन हैं या फिर 45 साल से आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी 1600 मीटर रेस 10 मिनट में होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अलग से मेंशन किया गया है, जिन फीमेल कैंडिडेट में जिनकी एज 20 साल से 30 साल है उनको 1600 मीटर 8 मिनट में देखने को मिलेगी। जिनकी एज 30 से 40 है उनके लिए 9 मिनट है। जिनकी एज 40 से 45 है उनके लिए 10 मिनट है। अगर फीमेल अक्स सर्विसमैन है या 45 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको 12 मिनट देखने को मिलेगी। अभी अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। अगर आप फिजिकल टेस्ट यहाँ पर पास करते हो तो उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है, देन आपकी फाइनल मेरिट आएगी, लास्ट में यहाँ पर आपका मेडिकल होगा। इस फॉरम की जो फॉरम फीस रहने वाली है वो ऑल ओवर कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रहने वाली है, भले ही वो SC हो, ST हो, OBC हो, सभी के लिए 100 रुपये रखी गई है। आप इस फॉरम को इन दोनों वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, dillihomeguards.nic.in। अगर दोस्तों आप इस फॉर्म को घर पे अप्लाई करना चाहते हैं, आपको फॉर्म नहीं भरना आता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको ये कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।